हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ सिलेंड्रेटा के बारे में। तो सबसे पहली क्लास देखिए हाइड्रोजोआ, फिर साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। जोआ मींस एनिमल, हाइड्रो मींस वाटर, वाटर एनिमल्स। अब हाइड्रोजोआ ऐसी क्लास है जो फ्रेश वाटर भी होती है और मरीन भी होती है। बाकी साइफोजोआ और एंथोजोआ दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि सारे के सारे मरीन होंगे, पर हाइड्रोजोआ में आपको फ्रेश वाटर सिलेंड्रेट्स भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिटरी है और कॉलोनियल है, यानी कि अकेले भी पाए जा सकते हैं और ग्रुप में भी। वाइल आपके साइफोजोआ सॉलिटरी है और एंथोजोआ सॉलिटरी और कॉलोनियल है। तो याद रखिए साइफोजोआ खाली सॉलिटरी होते हैं। नाउ हाइड्रोजोआ में कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है? यहाँ पे आपकी पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होती है। अब पॉलिप क्या होता है? पॉलिप आर द अटैच फॉर्म, सिलेंड्रिकल एसेक्सुअल फॉर्म होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉलिप ज्यादा पाए जाते हैं, साइफोजोआ में मेड्यूसा ज्यादा पाए जाते हैं। अगर यहाँ पॉलिप पाए जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं मेड्यूसा पाए नहीं जाते, मेड्यूसा पाए जाते हैं पर उनका जो काउंट होता है पॉलिप के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सिमिलरली हाँ मेड्यूसा डोमिनेंट है इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिप पाए नहीं जा रहे, अगर पॉलिप पाए जाएंगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट में होंगे या बहुत ही कम काउंट में होंगे। एंथोजोआ एक लौती ऐसी क्लास है जिसमें सारे के सारे पॉलिप्स हैं, और हमको पता है पॉलिप्स क्या बनाते हैं, पॉलिप्स कॉरल बनाते हैं, क्योंकि कॉरल कैसे रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है, मूवेबल नहीं होते, और जितने भी पॉलिप होते हैं वो सारे अटैच रहते हैं। तो जो भी कॉरल बनाते हैं वो एंथोजोआ एक्सक्लूसिवली क्या बनाती है, आपके कॉरल्स फॉर्म करती है। नाउ हाइड्रोजोआ में नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेडियम एब्सेंट होता है। अब ये स्टोमेडियम क्या होता है, ये स्टोमेडियम आप समझ सकते हैं कि जो आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है उसको आप स्टोमेडियम कह रहे हैं, ठीक है जी। तो माउथ एक्सटेंड करके स्टमक के अंदर जाएगा वो क्या है, स्टोमेडियम। तो वो इनके पास नहीं होता, यानी कि इनके पास गलट नहीं होता। सिमिलरली साइफोजोआ में भी गलट नहीं होता, केवल एंथोजोआ ऐसी है जिसमें स्टोमेडियम प्रेजेंट होता है दैट कनेक्ट माउथ टू स्टमक। नाउ नेक्स्ट है मेड्यूसे आर क्रिस्पिडोर। अब मैंने बताया था कि मेड्यूसे कम प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजोआ में एज कम्पेयर टू पॉलिप, पर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्पिडोट होते हैं। अब क्रिस्पिडोट का क्या मतलब, क्रिस्पिडोट का मतलब है उनके पास ट्रू वेलम होता है। इसकी आप फिगर देख सकते हैं, ये आ रहा माउथ, माउथ से जो एक्सटेंड होकर आ रहा है उसे मेन्युब्रियम कह रहे हैं, मेन्युब्रियम से यहाँ से रेडियल कैनाल दिख रही है, फिर वो सारी रेडियल कैनाल मिलके क्या बना रही हैं आपकी, रिंग कैनाल बना रही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, वेलम रहता है, वेल डेवलप वेलम। उसका काम क्या होता है, वो स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि ये एक क्रिस्पिडोट होते हैं, यानी कि साइफोजोआ के पास ट्रू वेलम प्रेजेंट नहीं होता, सिमिलरली एंथोजोआ के पास भी वेलम नहीं होता। अब जो कुछ सिलेंड्रेट होते हैं ना वो फिल्टर फीडर होते हैं और कुछ कार्निवोर होते हैं जो अपने प्रे को मार के और फिर उनको डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट है एपिडर्मल गोनाड्स है। अब हम जानते हैं कि सिलेंड्रेटा के पास एक एपिडर्मिस होती है, एक गैस्ट्रोडर्मिस होती है, बीच में उनके मेसोगिलिया होती है। तो अगर एपिडर्मिस गोनाड बना रहे हैं तो एपिडर्मल गोनाड कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोजोआ, पर साइफोजोआ और एंथोजोआ में दोनों में गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। अभी गोनाड्स बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स, आपको याद होंगे। तो यहाँ पे एपिथीलियम के इंटरस्टिशियल सेल्स यूज हो रहे हैं गोनाड बनाने में, यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस के इंटरस्टिशियल सेल यूज हो रहे हैं गोनाड बनाने में। नाउ नेक्स्ट है कि अब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो लेयर होती है उसे मेसोग्लिया कहते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ की, वो ए सेलुलर होती है, यानी कि सेल की नहीं बनी हुई होती। साइफोजोआ की बात करें, होती है सेल की बनी हुई पर कैसी होती, सॉरी सेल की बनी नहीं होती, कैसी होती है, ए सेलुलर होती है पर जिलेटिनस होती है, जेली लाइक। नाउ अगर एंथोजोआ की बात करें तो मेसोग्लिया आपकी सेलुलर होती है, स्टाउट होती है, थिक होती है काफी, ओके ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजोआ में सबसे पहले एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा एक आपका सॉलिटरी फ्रेश वाटर सिलेंड्रेटा है, ठीक है जी। अब जो हाइड्रा होता है उसमें क्या क्या फीचर है, वो बडिंग कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, उसका एक ओरल एक्सिस होता है और नीचे वाला अबोरल एक्सिस। ओरल एक्सिस में टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मस्कुलर वॉल्स होती है जो टेंटिकल्स का साइज रिड्यूस कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है जी। अब इनके जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो ओरल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं और
जो आपके ओवरी होते हैं हाइड्रा में वो इनके अबोरल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैडल डिस्क। ये सब था हाइड्रा के बारे में। अब हाइड्रा ना कोई मेटाजेनेसिस शो नहीं करता, यानी कि इनमें प्लैनुला लार्वा नहीं होता। ये पॉलिप है तो पॉलिप है, ये कोई मेडूसा फॉर्म बनाने वाले नहीं है। ये मोनोमॉर्फिक कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है जी, मोनोमॉर्फ होते हैं, एक ही मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। एग्जाम्पल कई तरीके के हाइड्रा होते हैं, ग्रीन हाइड्रा, ठीक है जी, जैसे कि क्लोरोहाइड्रा विरिडिसियम कहते हैं ग्रीन हाइड्रा को, क्योंकि ये आपका क्लोरेला विरिडिसियम के साथ क्या बनाता है, एसोसिएशन बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एलगी से अटैच हो जाता है और ग्रीन कलर का अपीयर होता है। नाउ व्हाइट हाइड्रा, व्हाइट हाइड्रा को हाइड्रा अमेरिकाना कहते हैं। ब्राउन हाइड्रा, ब्राउन हाइड्रा को आप हाइड्रा बिस्का कहते हैं, जो जू जेंथिला के साथ क्या बनाता है, एसोसिएशन, दैट इज अ ब्राउन एलगी, इसलिए ब्राउन कलर का दिखता है। कलरलेस हाइड्रा आपका, इसके पास तो कोई कलर ही नहीं होता, इसके पास कोई एसोसिएशन ही नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस है। इसको हाइड्रा वल्गैरिस भी कहा जाता है। तो याद रखिए ग्रीन हाइड्रा में मैंने क्या बताया था, ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है ये ग्रीन कलर का, क्योंकि इसका एसोसिएशन होता है ग्रीन एल्गी, जिसे क्लोरेला वल्गैरिस कहते हैं। और क्या नाम होता है इसका, हाइड्रा विरिडिसियम। ये था आपका हाइड्रा अमेरिकाना, ये था हाइड्रा बिस्का, और ये था आपका हाइड्रा वल्गैरिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजोमा में ओबेलिया। ओबेलिया अलग होता है, मेटाजेनेसिस शो करता है, ठीक है जी, ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म शो करता है, ये प्लैनुला लार्वा होता है इसके पास, ठीक है जी। पॉलिप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिप एक सेक्शुअल फॉर्म है और मेड्यूसा सेक्शुअल फॉर्म है। ना बोगेनवेलिया, ये कुछ प्लांट लाइक होते हैं। मिलीपोरा, ये स्टिंगिंग कॉरल रहते हैं, कॉरल का मतलब समझ में आ गया, पॉलिप फॉर्म है ये और ये स्टिंगिंग कॉरल रहते हैं। और नेक्स्ट फाइसिलिया, फाइसिलिया इंपॉर्टेंट है। फाइसिलिया का दूसरा नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। इसकी जो सेल होती है इसमें 90% आपका नाइट्रोजन होता है, 1.5% आर्गन होता है, जो मिलके एक पॉइजन बनाता है जो किंग कोबरा के पॉइजन के समान होता है, यानी कि ये किसी को भी किल कर सकता है अपने पॉइजन से। अब इसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे नेवी शिप होती है वो कभी अपियर हो जाते हैं कभी डिसअपियर हो जाते हैं, सिमिलरली अपियर और डिसअपियर हो जाता है फाइसिलिया, इसलिए इसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। और अगर ये आपको कहीं भी बीच के पास दिखाई दे जाए तो आपको इससे बचना है क्योंकि ये पैरालिसिस शो कर सकता है आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइफेजोआ के एग्जांपल। साइफेजोआ के एग्जांपल एक्सक्लूसिवली क्या है, मेड्यूसा फॉर्म है लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। नाउ नेक्स्ट है एंथोजोआ। अब एंथोजोआ भी दो सब क्लास में डिवाइडेड है, और वो दो सब क्लास क्या क्या है, पहली है ऑक्टाकोरेलिया, नेक्स्ट है हेक्साकोरेलिया। अब ये ऑक्टाकोरेलिया क्यों कह रहा है, ऑक्टा मीन्स एट, तो इनके पास एट पिनेट टेंटिकल्स होते हैं, और हेक्साकोरेलिया के पास ना न्यूमरस टेंटिकल्स रहते हैं, ठीक है जी, आठ से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर जो टेंटिकल्स रहते हैं वो अनब्रांच रहते हैं, वो 5 और 6 के मल्टीपल्स में रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्टाकोरेलिया एक्सक्लूसिवली कॉलोनियल होता है, ठीक है, केवल कॉलोनीज में पाया जाता है, वाइल हेक्साकोरेलिया सोलिटरी अकेला भी पाया जा सकता है और कॉलोनी में भी पाया जा सकता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से, लाइक पेनेटुला को क्या कहते हैं, सी पेन। अब पेनेटुला में क्या आ रहा है, पैन आ रहा है, तो इसे सी पैन कह रहे हैं। गोरगोनिया को क्या कहते हैं, सी पैन कहते हैं। ट्यूबिपोरा, ट्यूब लाइक होगा, यानी कि ऑर्गन पाइप कॉरल कहते हैं, ठीक है जी। अभी कॉरल क्यों आ रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पॉलिप फॉर्म है और पॉलिप फॉर्म तो कॉरल से बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए अडेमसिया मेट्रिडियम सी एनिमोन में एक ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। होप सो आपको क्लासेस समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।